दूध की प्रोडक्शन नहीं हो रही, फैट लेवल जो है वो कम हुआ हुआ है, झाग नहीं बन रहा और जानवर खा नहीं रहा, सेहत नहीं बन रही। आसान और सस्ता और बड़े 100 रुपये में आपका नुस्खा ये तैयार होने वाला है। 100% नुस्खा मैंने पहले भी लोगों को बताया, अपने हाथ से इस्तेमाल भी करें फार्म के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान। दोस्तों एक दफ़ा फिर आपका मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान में खुशामदीद। बहुत टाइम हो गया था आप लोगों के लिए, भाई फार्मर्स के लिए स्पेशली वीडियो नहीं आ रही थी जानवरों की, तो उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर साहब की अनअवेलेबिलिटी थी और मैं भी थोड़ा सा किसी काम में मसरूफ़ था। तो आप लोगों के लिए अब इंशाल्लाह जो है प्रॉपर वीडियोज़ आएंगी भाई, और जानवरों से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आते रहते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज जो टॉपिक है आप लोगों का भाई, टॉपिक बहुत सीरियस है कि दूध जो है फार्मर्स के ज़्यादातर बाड़े वगैरह हैं, लेकिन उसमें दूध की प्रोडक्शन जो है इतनी नहीं हो रही। आपको पता है महंगाई किस हिसाब से हो गई है, लेकिन दूध की प्रोडक्शन नहीं हो रही, फैट लेवल जो है वो कम हुआ हुआ है, झाग नहीं बन रहा और जानवर खा नहीं रहा, सेहत नहीं बन रही। तो आज का भाई थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, यही वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब काफ़ी लोग आपको देखते हैं और बहुत दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे, दूध के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज कोई ऐसा बेहतरीन नुस्खा है जिससे फ़ायदा हो सकेगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, दूध के इस वक्त मौसम की बिना पर दूध में झाग कम आ रहा है और दूध की में फैट कम हो रही है, तो जाहिर है कि अगर कस्टमर जो भी इस्तेमाल करेगा इसको, वो इससे मुतमइन नहीं होगा। इसके लिए एक आसान और सस्ता और बड़े 100 रुपये में आपका नुस्खा ये तैयार होने वाला है, और देसी दवाई है ये, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, 100 रुपये में जो है ना ये आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा, बल्कि जिसके पास अगर अवेलेबल भी है चीज़, गांव के अंदर बैठे हुए हैं, चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, इंग्रेडिएंट्स, तो 100 रुपये भी आपके नहीं लगेंगे और जानवर भी सेहतमंद होगा और दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, फैट लेवल भी बढ़ेगा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है, अगर भाई किसी को कमेंट करके पूछना है कमेंट करके पूछ ले, अगर किसी को कॉल करना है तो डॉक्टर साहब एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है आप लोगों को, घर बैठे जो है डॉक्टर साहब की जो है मतलब सॉल्यूशंस मिल सकेंगे। तो चलते हैं वीडियो की। फैट्स क्या और दूध के मसले के अंदर जो है झाग बनाने का जो मसला पैदा हो जाता है सर्दियों के मौसम में, उसके लिए एक नुस्खा आपके लिए ला रहे हैं। बड़ी इलायची 50 ग्राम और दूसरा सौंठ, सौंठ ये अदरक, खुशक अदरक होती है, ये तकरीबन 100 ग्राम। ठीक है। और बड़ी इलायची 200 ग्राम ले लें, ज़्यादा बेहतर है। और गुड़ तकरीबन आधा किलो गुड़ ले लें, आधा किलो गुड़, जी हाँ, और 1 किलो घी ले लें। ठीक है। इन तीनों को चारों चीज़ों को मिक्स करके आप 2 किलो पानी में इतना पकाएं कि ये 1 किलो रह जाए, उसके बाद नीचे उतार दें। ठीक है। नीचे उतारने के बाद नीम गरम ठंडा हो जाए, जब ये थोड़ा सा गरम हो, वो नाल में डाल के आप इसको हफ्ते में 1 मरतबा जानवर को देंगे, तो इंशाल्लाह ये मसला ठीक होता चला जाएगा। एक ही दफ़ा देना है डॉक्टर साहब? हफ्ते में 1 मरतबा दो, महीने में तकरीबन 3-4 मरतबा दो। ठीक है। उसमें ये है कि देसी दवाई है और बड़ा फायदा होता है इससे। अच्छा। लोगों को जी आजमाया हुआ इंशाल्लाह भाई, आपको दूध की प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब अगर किसी का जानवर नहीं खा रहा और उसमें बदहजमी वगैरह है, ठीक है, तो अगर उसकी सेहत नहीं बढ़ रही, तो उसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइएगा कि ऐसा कोई नुस्खा कि उसका जानवर भी खाने लग जाए, दूध भी डबल हो जाए और उसका जो है फैट लेवल जो है दूध का वो भी बढ़ जाए। इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। बाज़ औक़ात जानवर जंगल के जो होते हैं ये हरा चारा खाते रहते हैं, भूसा खाते हैं, तो इनके रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ें तो होती होती हैं, लेकिन इसके बावजूद गैस भी हो जाता है बाज़ औक़ात अंतड़ियों में, इनके मतलब है कि गोबर सख्त हो जाता है, तो उस वजह से ये खाना कम कर देते हैं। जब खाना कम होगा दूध भी कम होता चला जाएगा, जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है मीठा सोडा और बड़ी इलायची मिक्स करके, बड़ी इलायची तकरीबन आप ले लें 100 ग्राम। ठीक है। और मीठा सोडा आप ले लें तकरीबन 50 ग्राम के करीब। 50 ग्राम बहुत है। 100 ग्राम आपने बड़ी इलायची ले ली है, मीठा सोडा 50 ग्राम। 50 ग्राम मिक्स करके इसको जो है ना एक मतलब कूट के मिक्स करें, और उसके बाद लड्डू से बना के इसको एक बार के अंदर लपेट के आप इसको जानवर को खिला दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सर्दी भी कम मतलब है, ठंडपन कम मसला है, अकड़ के चल रही है उसमें कंट्रोल हो जाएगा, खाएगी दबा के, जब खाएगी पानी भी पिएगी, पानी पिएगी तो दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ता हुआ चला जाएगा, झाग भी ज़्यादा आएगी, करीम भी बढ़ेगी दूध की,
और दूध कस्टमर पसंद भी करेगा, कस्टमर पसंद भी करेगा कि फलाने बंदे का दूध अच्छा है, फलाने बाड़े का अच्छा है या फलाने आदमी का अच्छा है। बिल्कुल भाई, बहुत ही बेहतरीन मशवरा था आप लोगों के लिए, खास तौर पे वो फार्मर्स हमारे जिनके पास भैंसे काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं गांव में। कुछ जो है हमारे व्यूवर्स हैं, ख़वातीन हैं जो कि मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, भाई आप लोगों के लिए बेहतरीन नुस्खा लेके आए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर कोई मेडिसिन के हवाले से जा रहा है, अगर कोई देसी नुस्खा तो एक सारा साल मतलब अरसा दराज चलता ही रहता है, लेकिन अगर कोई मेडिसिन जहाँ पर अवेलेबल है उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा बताइएगा कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ सके। दूध की प्रोडक्शन के हवाले से आप अगर दूध कम हो तो इसके अंदर तो जाहिर है कि बूस्टन ही ज़्यादा कामयाब है। विटामिन AD3 के अंदर बूस्टन डाल कर वो तो लगाते हैं लोग, बाग पहले लगाते थे, अब मालूम नहीं लगा रहे या नहीं लगा रहे विटामिन दूध के लिए, वो भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मज़ीद ये है कि कब्ज़ अफारे और गैस का कोई मसला होता है, सर्दी मना रही है, अकड़ के चल रहा है जानवर, तो उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स हाँ जी, तकरीबन 15 cc आप लगा दें तो उसमें ये कि कब्ज़ अफारा गैस वगैरह ये सारी खारिज हो जाएंगी और जानवर दबा के खाएगा, भूख भी लगेगी इसके अंदर। अच्छा, तो ये कितने में तकरीबन मिल जाएगा कोई इंजेक्शन वगैरह अगर यूज़ करना चाह रहा है? बी कॉम्प्लेक्स 25-30 रुपए का इंजेक्शन है, ज़्यादा 25-30 रुपए का। और सिरिंज का अगर किसी के पास नहीं है खर्चा वगैरह, टोटल कितने में? 100 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगा, आराम से 100 रुपए में हो जाएगा। 100 रुपए में भाई, ये भी आपको मेडिसिन से रिलेटेड भी अगर इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो इंजेक्शन के लिए कोई रिकमेंडेशन किस तरीके से लगाना है डॉक्टर साहब? गर्दन में लगता है ये 20-25 cc गर्दन में आप लगा दें एक मरतबा तो इंतड़ियाँ और पेट वगैरह बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, और मज़ीद मोटी भी होगी और मज़ीद ये है कि दूध भी बढ़ेगा इससे। ठीक है, समझे, हफ्ते में एक दफ़ा बी कम्प्लेक्स लग जाए तो जानवर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, आंतनियों को ताकत देता है। ठीक है, ये 100% नुस्खा मैंने पहले भी लोगों को बताया, अपने हाथ से इस्तेमाल भी करें फार्म के अंदर, ये बड़ा फ़ायदेमंद है और आप भी इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके आप इसके कमेंट्स करके मुझे बताएँ, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, लाजमी बताइएगा ताकि हमें मतलब है कि दूसरों को और भी बताने का मौका मिले। बिल्कुल, और अगर आप लोगों का कोई ऐसा कमेंट है भाई, कोई अगर आपके जानवरों में प्रॉब्लम आ रही है, किसी किस्म की डिजीज़ है, तो डॉक्टर साहब से डिस्कस करें। हमारा यहाँ पे आने का मकसद आप लोगों के लिए होता है कि आप लोगों को घर बैठे जो है हर किस्म की फैसिलिटी डिजीज़ से रिलेटेड मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई पहले की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, आप लोगों के लिए रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियोज़ जानवरों की आती रहेगी, और आप लोगों के मसले मसाइल को पढ़ते हुए मैं हर एक कमेंट आप लोगों का रिव्यू करता हूं, डॉक्टर साहब भी आप लोगों का हर एक कमेंट रिव्यू करते हैं, तो उसको देखते हुए आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।